सबके तोते उड़ गए, सबको घबराहट होने लगी। तो अब हम पहुंच गए हैं कैंपी फॉल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। क्या मस्त गुरुद्वारा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? हम जा रहे हैं आज मंसूरी देहरादून और वहाँ आपको कराएंगे देहरादून की सैर और मसूरी की सैर। देखते हैं वहाँ का नज़ारा और वहाँ का वेदर कैसा है। यहाँ रात को तो ठंड हो जाती है, दिन में कल बहुत गर्मी थी। और वहाँ का टेम्परेचर देखते हैं, वहाँ का वेदर कैसा है। वैसे पहाड़ों में तो अच्छा ही चल रहा है अभी मौसम, बाकी जाके देखते हैं कैसा मौसम है वहाँ का। तो ठीक है, हम मिलते हैं हम थोड़ी देर में, गाड़ी में बैठ के चलते हैं अभी। बाय बाय। तो हम निकल गए हैं देहरादून मंसूरी के लिए। बहुत गर्मी हो रही है तो अभी बस पहाड़ शुरू हो जाएंगे, फिर थोड़ा मौसम का फर्क पड़ा। तो आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ पे? दिल्ली थोड़ी जा रहे हैं, मंसूरी जा रहे हैं। मजबूरी नहीं, मंसूरी जा रहे हैं। हाँ, देखो हम पहुंच गए हैं देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी। और यहाँ से है 32 किलोमीटर मंसूरी। बहुत बढ़िया सिटी है ये देहरादून। जा रहे हैं कैंपी फॉल, बहुत बढ़िया घटना बना हुआ है, वहाँ जाके नहाएंगे भी कैंपी फॉल पे। और यहाँ वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा है, इतनी गर्मी वाली बात नहीं है यहाँ पे। मज़ा आ रहा है सबको? अच्छा लग रहा। सबके तोते उड़ गए हैं, सबको घबराहट होने लगी है पहाड़ों में आके। बच्चे तो बेचारे परेशान हो गए। कैंपटी फॉल और हमारे को लगी है भूख, मंगवाया हमने राजमा चावल। आ गए हैं, देखते हैं कैसे। और आ रही है हमारी मैगी, पहाड़ों की मैगी, फेमस मैगी, पहाड़ के राजमा चावल फेमस, टेस्टी भी होते हैं वो। यहाँ पे छल्ली भी मिलती है। आ गई हमारी मैगी भी। अक्षु ने खानी है मैगी। चौमिन खानी है, मैगी खानी है, चौमिन भी आ रही है अभी। ये हम जा रहे हैं कैंपटी फॉल मसूरी, मसूरी के कैंपटी फॉल जा रहे हैं। ये मसूरी की मार्केट है। कहाँ जा रहे हैं हम? कहाँ जा रहे हैं हम? जा रहे हैं कैंपटी फॉल। ये मार्केट है और यहाँ पे ट्रॉली भी चल रही है। मत हम ट्रॉली पर नहीं जाएंगे, हम जाएंगे मार्केट पैदल। हम जाएंगे पैदल कैंपटी फॉल पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे मार्केट थोड़ी सर्च करनी है। देखे तो सही मसूरी में क्या क्या फेमस है। तो अब हम पहुँच गए हैं कैंपटी फॉल। ये मसूरी का कैंपटी फॉल है। फुल एंजॉय कैंपटी फॉल।
ये बच्चे मिली मनु मिट्टी ये मनु पकड़ पकड़ के ला रहा है बच्चों को, ठंडा लग रहा है बच्चों को पानी। ये मिन्नी को देखो, मुस्कान ना लिया हमने कैंपटी फॉल पे भी। हम जा रहे हैं घर। बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया हमने। बहुत ठंडा पानी है यहाँ कैंपटी फॉल का, बहुत एंजॉय करा हमने क्योंकि मौसम ठंडा हो रहा है ना यहाँ पे पहाड़ों में। ये देखो आपको दिखाते हैं, सामने कैंपटी फॉल है, शॉपिंग चल रही है यहाँ सबके। यहाँ हम आए हैं चाय पीने, मसूरी की फेमस चाय कुल्लड़ वाली एंड तंदूरी। अब हम जा रहे हैं घर, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ पे मसूरी में, बहुत हवा चल रही है, भी मजा आ रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम निकल रहे हैं कैंपटी फॉल से। क्या मजेदार मौसम हो गया यहाँ पे भाई, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ पे, घर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है फुल, है ना मिट्टी, मजा आया नहा के, चले हम घर। चलो चलते हैं कैंपटी फॉल से, हमारे को लगेंगे अभी 7-8 घंटे घर पहुंचने में, लगभग रात को हमारे को 2-3 बज जाएगी, 7 बजी है अभी। ठीक है तो मिलते हैं थोड़ी देर में, रास्ते में रुकेंगे कहीं। तो हम पहुंच गए हैं पांवटा साहिब गुरुद्वारा हिमाचल प्रदेश। अब हम उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल में आ गए हैं। गुरुओं का गुरुद्वारा, वाहेगुरु जी का खालसा, पांवटा साहिब जी का गुरुद्वारा, पातशाही दसवें जी, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। आप भी करो दर्शन गुरुद्वारे के, पांवटा साहिब गुरुद्वारा के। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी प्रसाद भी ले लिया गुरुद्वारे, प्रसाद सुकून मिलता है खा के गुरुद्वारे का। बहुत सुंदर गुरुद्वारा है यहाँ का, जो भी इस रोड पे आए जरूर आए यहाँ पे, जरूर दर्शन करके जाएगा, लंगर चखने आए हैं। अब हम वापस जा रहे हैं घर, रात के 2 बज गई है। कहाँ पहुँच गए हम, कुरुक्षेत्र। कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे हो गए, बहुत थक चुके हैं। कुरुक्षेत्र बहुत सुंदर, चलो अब इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, और जितना हो सके उतना शेयर करें हमारी वीडियो को।